माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 4। ये बोर्ड पेपर में आ चुकी है, ऑलरेडी आ चुकी है बेटा बोर्ड के एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ ए 2 फैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, गिवन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 0.5 सेंटीमीटर। बेटा एक पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर है, इसमें दो प्लेट्स, ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है 0.5 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी कैपेसिटी है C इक्वल टू 2 फैरेड। हमें बताना है एरिया, इनका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ प्लेट्स निकालना, ठीक है बेटा। ये बोर्ड पेपर में पहले ही आ चुकी है न्यूमेरिकल, तो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला पर बेस है। हेयर, शाबाश, क्या दिया है, C इज इक्वल टू 2 फैरेड कैपेसिटी दी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स D इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, हो गया 0.5 × 10⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में बना दिया, हो गया 0.5 × 10⁻²। बन गया ये। हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है एरिया ऑफ प्लेट्स, ए निकालना, ठीक है। वी नो फॉर्मूला क्या है बेटा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सी डी नीचे जाएगा एप्सिलॉन नॉट, एरिया निकालने के। C कितना है 2, D कितना है 0.5 × 10⁻²। तो एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻¹². एरिया है, हो गया मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन कर दीजिए इसकी, कैलकुलेशन जब कैलकुलेशन हम करेंगे बेटा, कैलकुलेशन करने के लिए बेटा आप लोगों को मैं बताता हूं, कैलकुलेशन इसकी, कैलकुलेशन आएगी इसकी बेटा, कैलकुलेशन ए इज इक्वल टू सी डी, तो कैलकुलेशन बन जाएगी 1.13 × 10⁻¹² ये आ गया एरिया ऑफ ईच प्लेट। 3 नंबर की न्यूमेरिकल बेटा ये पेपर में आ चुकी है, सिंपल कितना है। यहां पर मैं बताता हूं आप लोगों को बेटा, चाहे एरिया निकालना हो, कैपेसिटी निकालना हो, या डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स निकालना हो, 2 दिए हो तीसरा निकालना है, तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पर आप लोग निकाल सकते हैं। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 4, ठीक है बेटा। मैंने बताया बोर्ड पेपर में ऑलरेडी आ चुकी है। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 है द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर becomes 10 microfarad when air between the plates is replaced by dielectric slab of constant K is equal to 2. What is the capacity of the capacitor when air between the plates? बेटा बोलते हैं अगर 2 plates के बीच में dielectric है, dielectric है 2 plates के बीच में बेटा, 2 पैरेलल प्लेट्स के बीच में क्या है, डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, लेकिन K कितना है उसका 2, उस वक्त कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी है 10 microfarad। इसका मतलब जब मीडियम रखा गया है, जब मीडियम रखा गया है बेटा, हियर CM, जब मीडियम रखा गया है, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब जब रखा गया है, तब कैपेसिटी कितनी है 10 microfarad, ठीक है बेटा, कैपेसिटी तब कितनी है 10 microfarad। अच्छा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कितना है बेटा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2,
डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस डायलेक्ट्रिक स्लैब का। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर व्हेन एयर बिटवीन द टू पैलेट्स, हमें निकालना है सी एयर के वक्त, ठीक है, यहां वैक्यूम के वक्त। हमें पता है वी नो के इज इक्वल टू सी एम अपॉन सी एयर कैपेसिटी व्हेन एयर इज, दिस इंप्लाइज दैट सी एयर इज इक्वल टू सी एम अपॉन के। ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे तब जाके निकलेगी कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर व्हेन एयर इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। हो गया, दिस इंप्लाइज दैट सी एयर इज इक्वल टू, शाबाश, सी एम कितना है 10, के कितना है 2, हो गया 5 माइक्रोफेरड, क्योंकि माइक्रोफेरड इसमें है 10, तो कैपेसिटी आ गई 5 माइक्रोफेरड। ये आ गया बेटा आंसर, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 5th। क्लियर बेटा, क्लियर, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 5th, शाबाश बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, पहले ये मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट यहां पर खींच लीजिए और आगे बढ़ते हैं। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 6th, न्यूमेरिकल नंबर 6th, क्वेश्चन नंबर 6th, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6th क्या है वो देखेंगे बेटा, वो हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 6th, क्वेश्चन नंबर 6th क्या है वो हम करेंगे। पहले क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैरड व्हेन इट इज चार्ज्ड, व्हेन इट इज चार्ज्ड, व्हेन इट इज चार्ज्ड to a potential of, when it is charged to a potential of, shabash beta, 250 volt, इधर देख लीजिए, हमें energy store करनी है एक capacitor में, तो यहां पर क्या क्या दिया है वो पहले लिखेंगे हम। here कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफेरड, हो गया सी, सी इज इक्वल टू 5 माइक्रोफेरड, 5 माइक्रोफेरड का मतलब 5×10⁻⁶ फेरड, आ गया ये, शाबाश। देन पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू 250 वोल्ट, एनर्जी निकालने, एनर्जी हो गया यू, यू निकालना है। देखो बेटा ये जो कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल वाले, ये अलग से मैं दिखाऊंगा न्यूमेरिकल, ये कल करेंगे हम कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल। इधर देखो बेटा, आप लोगों को ये फॉर्मूला इनमें से मैंने आप लोगों को बताया 10th 11th और 12th में से ढूंढना है, सी और वी दिया है, सी और वी दिया है, U निकालना है, कौन सी फॉर्मूला लगेगी तीन में, 10th लगेगी 11th के 12th, C और V दिया है, इसका मतलब ये वाले 11th वाले फॉर्मूला लगेगी, और हम लिखेंगे वी नो U इज इक्वल 1/2 सी वी स्क्वायर, सी वी स्क्वायर 1/2 सी वी स्क्वायर, फॉर्मूला पता है, हो गया 1/2 C कितना है बेटा 5×10⁻⁶ माइक्रो × 250, ठीक है बेटा, ये हो गया 125,
फाइव इंटू 125 कितना होता है बेटा, ये हो गया एनर्जी है, एनर्जी 5 5 5 5 5 ये हो गया 625, 625 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर माइनस 6 जूल्स, ठीक है बेटा। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा गलती हुई है यहां पर सिंपलिफिकेशन करने में। एक चीज, 1/2 है बेटा, c कितना है 5 × 10⁻⁶, ये मल्टीप्लाई v का स्क्वायर है बेटा 250 का स्क्वायर, ये ऐसे हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल्स एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर है, ठीक है बेटा। ये कैलकुलेशन करने पर ये आएगा 0.156 जूल्स, ये आ गई एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ये मैं आप लोगों को फिर से यहां पर बता रहा हूं, इसमें दी थी कैपेसिटर में 5 माइक्रो ये कैपेसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप लोगों को कैपेसिटी और चार्ज दिया होता तो 10th फार्मूला लगती, अगर आप लोगों को चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस देती तो आप लोगों को 12th वाली फार्मूला लगानी थी। देखो हर किसी फार्मूला पर मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूं, तो अब रह गए हमें कैपेसिटर सीरीज पैरेलल और ये हम करेंगे कल, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी के भी मैं आप लोगों को सोल्यूशन सब आप लोगों को दिखाता हूं और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।